हेलो दोस्तों, टेक्निकल मोनू के यूट्यूब पेज पे आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको एयर कूल्ड सिस्टम में हाई प्रेशर के बारे में बताने वाले हैं। अगर हाई प्रेशर का फेलियर्स आपको मिल रहा है तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। हमको एक कंप्लेंट मिला है हाई प्रेशर के बारे में, जिसमें लिखा है दोस्तों E41 सिस्टम फॉर हाई प्रेशर प्रोटेक्शन, ये फेलियर आ रहा है, आपको डिस्प्ले में ऊपर दिख रहा होगा। तो इसके बारे में भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स था और मैं क्या किया, कैसे रेक्टिफाई किया, ये सब के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करें। अगर आपको हाई प्रेशर स्विच में फेलियर मिल रहा है, या कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है, चाहे हाई प्रेशर दिखा रहा है, कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, हाई प्रेशर की वजह से कुछ ट्रिप हो रहा है, इसके लिए क्या क्या फेलियर्स हो सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले चेक करना है आपको कि कंडेंसर फैन ऑन है या ऑफ है। वो चेक करके अगर ऐसा कुछ है तभी आपको हाई प्रेशर का अलार्म मिलेगा, चाहे कंप्रेसर ट्रिप होगा हाई प्रेशर की वजह से। अगर वो ऑफ रहेगा तो ऑफ है तो उसको ऑन करके आप रेक्टिफाई करके वो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको चेक करना है कंडेंसर फैन का रोटेशन, वो कौन सा रोटेशन में वो घूम रहा है, कहीं उल्टा तो नहीं घूम रहा है, उल्टा घूमेगा तब भी उसके वजह से प्रॉब्लम्स आएगा, वो भी चेक करके आप सही कर सकते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। उसके बाद चेक करना आपको कंडेंसर कॉइल की डस्ट ज़्यादा गंदा तो नहीं है, अगर ज़्यादा गंदा रहेगा तो उसके वजह से भी वो बराबर कूलिंग नहीं हो पाएगा, उसमें एयर का बराबर सर्कुलेशन नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से भी आपका हाई प्रेशर होगा और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकता है। उसके बाद दोस्तों चेक करना है कि सिस्टम में आप ज़्यादा गैस या रेफ्रिजरेंट ज़्यादा तो नहीं फिल कर दिए हैं, अगर वो भी ज़्यादा रहेगा तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम्स आएगा, उसको भी आपको चेक कर ले। उसके बाद दोस्तों आता है HP स्विच, हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच, जिसके बारे में आपको आज हम खाली ओनली HP स्विच के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा एक एयर कूल्ड सिस्टम है, जिसमें हमको एक अलार्म आ रहा था, कंप्रेसर चार कंप्रेसर है जिसमें तीन कंप्रेसर चल रहा है, एक कंप्रेसर नहीं चल रहा है, उसमें अलार्म दिखा रहा है आपको, देखिए कॉर्नर में मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है मैं बता रहा हूँ। तो ये सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें कंप्रेसर के बारे में, LCV के बारे में, फैन का डायग्राम, पूरा जिसमें डायग्राम दिया हुआ है, आप इधर से देख के भी समझ सकते हैं। और इसमें साइड में देखिए, इस साइड में जो आपको ये दिया है शॉर्टकट की दिया है, आप इसको भी देख के इसके बारे में कुछ जान सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम जो हमारा कंप्लेन था उसके बारे में बताते हैं। इसमें हमारा फेलियर आ रहा था E41 सेक्शन 4 हाई प्रेशर प्रोटेक्शन का फेलियर शो कर रहा था, जिसके वजह से हमारा कंप्रेसर ट्रिप हो रहा था। ट्रिप होने के बाद इसमें 4 कंप्रेसर है, जिसमें से 3 कंप्रेसर रनिंग में था बट एक कंप्रेसर ट्रिप कंडीशन में दिखा रहा है। सिस्टम 4 का जो 4 नंबर का कंप्रेसर है हमारा, वो ट्रिप दिखा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने उधर गया, पूरा वायरिंग खोल के ड्राइंग से चेक किया, ड्राइंग चेक करने के बाद उसका गैस भी चेक किया, गैस भी हमको बराबर मिला। गैस बराबर मिलने के बाद डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा कि गैस भी बराबर है, हमने चेक किया। चेक करने के बाद हम लोगों ने फिर उसको जाके वायरिंग चेक करने के बाद उसको हम लोग जाके HP स्विच को भी चेक किया। HP स्विच का लूप है, वो लूप लूज कनेक्शन था, जिसको हम लोगों ने रेक्टिफाई कर फिर से क्लीन करके उधर से डाला, इसकी वजह से वो हमारा सिस्टम नॉर्मली वर्क करने लगा, जिससे वजह हमारा सिस्टम नॉर्मली वर्क करने लगा और एक कंप्लेंट रेक्टिफाई हो गया। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।